हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। हमने यहाँ चार क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है x बटा दो प्लस एक्स बटा तीन बराबर 10। तो हम इसे हल कर कर यहाँ से x का मान निकालेंगे। समीकरण को हल करने का मतलब हम यहाँ से x चर का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, ये जो x बटा दो प्लस एक्स बटा तीन है, ये हमारा एक भिन्न के रूप में है। तो यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न का जोड़ हम कैसे बनाते हैं दोस्तों? एलसीएम लेकर। तो एलसीएम भी हम दो तरीका से लेते हैं, एक है भाग विधि द्वारा और दूसरा है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तीन से एक्स में गुना करेंगे, फिर हम इस दो से इस एक्स में गुना करेंगे, और फिर हम लास्ट में इस दो और तीन को गुना कर कर बट्टा में लिख देंगे। तो चलिए हम इसे गुना कर लेते हैं। तो x को हम तीन से गुना करेंगे, क्या होगा? 3x होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम इस दो से x में गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x। अब लिखेंगे बट्टा में, अब इस दो और तीन को गुना कर देंगे, या तीन और दो को गुना करेंगे तो क्या होगा? 6, और बराबर में ये 10। यानी हम दो और तीन का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो हमने तीन से इस x में गुना कर दिया और फिर हमने दो से इस x में गुना कर दिया। अब दोस्तों हम लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 10। ये जो 6 है दोस्तों, ये भाग में है, तो इस 6 को हम बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये गुना में बदल जाएगा, यानी 10 के साथ गुना हो जाएगा, 10 गुने 6। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3x प्लस 2x, इसे हम प्लस कर सकते हैं, तो प्लस करेंगे कितना होगा? 5x। 10 को 6 से गुना करेंगे, 60। अब हम लिखेंगे दोस्तों x बराबर 60, और ये जो 5 है ना, ये क्या है? गुना में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है तो गुना का चिन्ह माना जाता है। तो 5 गुना में है तो बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? ये भाग में चला जाएगा, यानी 60 बट्टा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अंश में 60 है और बट्टा में 5 है, तो हम इस 5 से 60 को कैंसिल कर सकते हैं। कितनी बार में? 12 बार में, 12 पंचे 60। तो दोस्तों x बराबर होगा 12, यानी 12 होगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है? तो इस प्रकार दोस्तों हम समीकरण को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, x माइनस 3 बट्टा 5 प्लस x माइनस 4 बट्टा 7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1 बट्टा में 35। तो दोस्तों बराबर के इस साइड में यहाँ देखिए, ये भी भिन्न के जोड़ की तरह है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ एलसीएम लेकर इसे हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 से हम x माइनस 3 में गुना करेंगे, फिर हम 5 से x माइनस 4 में गुना करेंगे, फिर हम 5 और 7 को गुना कर कर बट्टा में लिख देंगे। तो चलिए हम पहले 7 से x माइनस 3 में गुना कर लेते हैं। तो x में करेंगे पहले, तो 7x होगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 में 7 से गुना करेंगे, 3 सत्ते 21। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम 5 से x माइनस 4 में गुना करेंगे, तो 5 से x में गुना करेंगे, 5x माइनस 5 से 4 में गुना करेंगे, 5 का 20 बट्टा में 5 और 7 को गुना कर देंगे, कितना होगा दोस्तों? 35। 5 सत्य 35 बराबर के इस साइड में है 6 माइनस 2x माइनस बट्टा में 35। तो दोस्तों यहाँ देखिए, 6 के हर में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है? तो इसका हर 1 है और इसका हर 35 है, तो एलसीएम क्या आएगा? 35। तो हर बराबर करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? इस 35 से 6 में गुना कर देंगे, तो हम लिखेंगे 6 गुने 35, ठीक है? हम गुना अभी नहीं करेंगे, अभी हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। माइनस, अब हम 1 से 2x माइनस 1 में गुना करेंगे, तो 1 से 2x में गुना करेंगे, 2x। अब देखिए यहाँ माइनस 1 है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह प्लस होगा, ठीक है? तो चिन्ह हम यहाँ प्लस लिख लेते हैं। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है? और बट्टा में दोस्तों हमारा ये 35, यानी 35 इसका एलसीएम आएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए,
बराबर के इस साइड बट्टा में 35 है और यहाँ भी बट्टा में 35 है। तो दोस्तों हम यहाँ से ये 35 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो 35 है ये भाग में है, तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये इसके साथ गुना में हो जाएगा और ये बट्टा में 35 है। तो 35 से हम 35 काट सकते हैं कि नहीं, तो इस तरह भी दोस्तों हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। यानी बराबर के दोनों तरफ अगर हमारा बट्टा में सेम संख्या है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7x प्लस 5x, तो इसे प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 5 12x। अब यहाँ देखिए माइनस 21 माइनस 20, तो माइनस में क्या होता है दोस्तों प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह हम पहले माइनस का लगा लेते हैं। अब हम 21 प्लस 20 कर लेते हैं, तो 21 में 20 को प्लस करें कितना होगा 41, तो यहाँ लिखेंगे हम 41। अब बराबर की इस साइड देखिए 35 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों 210 होगा, ठीक है। माइनस 2x प्लस 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, चर वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और अचर वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। यानी हम लिखेंगे यहाँ 12x और ये जो माइनस 2x है ना, इसे हम बराबर के इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा प्लस 2x हो जाएगा। बराबर में यहाँ देखिए 210 और ये प्लस 1, प्लस करेंगे कितना होगा 211, तो लिखेंगे यहाँ 211। अब यहाँ देखिए माइनस 41 है, तो इसे बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस 41 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 41। अब यहाँ देखिए 12x प्लस 2x, यानी ये एक ही कैटेगरी का है तो हम इसे जोड़ सकते हैं, तो कितना होगा 14x। बराबर में यहाँ देखिए 211 प्लस 41, तो इसे प्लस करेंगे कितना होगा 252। तो हमें x का मान चाहिए, तो हम इस 14 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये भाग में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गुणा में है। तो x बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं 252 बट्टा में 14, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि 14 से 252 कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो कैंसिल कर लेते हैं। तो 14 28, तो हम एक ही बार इसे कैंसिल करके 14 14, तो 25 में से 14 माइनस करेंगे 11 और ये 2, कितना हो जाएगा 112। तो 14 कान में 12 आता है कितनी बार में दोस्तों, 8 बार में, 14 8 112। तो दोस्तों फाइनली हमारा x का जो मान आ गया है वो 18 है, तो 18 होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही आसानी से एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 2x माइनस 3 बट्टा में 2x प्लस 2 बराबर माइनस 2 बट्टा 3। तो दोस्तों इसे हल करने का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस 3 से 2x माइनस 3 में गुना करेंगे और इस माइनस 2 से 3x प्लस 2 में गुना करेंगे, तो गुना कर लेते हैं। तो 2x में 3 से गुना करेंगे क्या होगा दोस्तों, 3 × 6, तो लिखेंगे 6 और ये गुने एक्स, 6x होगा। 2x में 3x से गुना करेंगे 6x, अब यहाँ माइनस है तो चिन्ह हम माइनस लिखेंगे। अब हम 3 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 × 3 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब लिखेंगे हम बराबर, अब हम माइनस 2 से 3x प्लस 2 में गुना करेंगे, तो यहाँ माइनस 2 है और ये प्लस 3x है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का चिन्ह है, तो पहले हम चिन्ह में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह, तो प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस होगा। अब हम 3x में 2 से गुना कर लेते हैं दोस्तों, क्या होगा 6x, 3 × 6 यानी 6x होगा। अब हम प्लस 2 में माइनस 2 से गुना करेंगे, तो पहले हम चिन्ह में गुना कर लेते हैं, तो प्लस और माइनस गुना करेंगे माइनस। अब हम 2 से 2 में गुना कर लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। अब दोस्तों हम चर वाली संख्या को एक तरफ और अचर वाली संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ 6x और ये जो माइनस 6x है इसे बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस 6x, बराबर में ये माइनस 4। और दोस्तों यहाँ देखिए ये जो माइनस 9 है ना, बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6x प्लस 6x, इसे प्लस करेंगे कितना होगा 12x, तो लिखेंगे 12x बराबर माइनस 4 प्लस 9। तो दोस्तों माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। तो दोस्तों 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 9 में से 4 को माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। अब दोस्तों चिन्ह लगाएंगे,
तो मैंने आपको क्या बोला था, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो यहाँ हमारा बड़ी संख्या कौन है, 9, तो 9 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोस्तों यहाँ देखिए, 5 के अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस 9 में से माइनस 4 करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। अब हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, यानी हम लिखेंगे अब एक्स बराबर 5 और बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो एक्स का मान हो गया दोस्तों 5/12, तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक्स प्लस 2 × एक्स माइनस 2 + 3x = 32। तो दोस्तों इसे हल करने का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ देखिए एक्स प्लस 2 है ना, तो हम इस 2 से एक्स माइनस 2 में गुना करेंगे पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों एक्स प्लस, अब हम इस 2 से एक्स माइनस 2 में गुना करेंगे, तो 2 से एक्स में गुना करेंगे 2x, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और ये प्लस 3x और ये बराबर में 32, ठीक है। अब हम समान चर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ x है और यहाँ 2x, प्लस करेंगे कितना होगा 3x और यहाँ प्लस 3x है, तो 3x प्लस 3x 6x होगा और ये माइनस 4 बराबर में 32। अब दोस्तों हम लिखेंगे 6x = 32। अब दोस्तों ये जो माइनस 4 है ना, बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस 4 होगा, तो 6x बराबर दोस्तों क्या होगा, 32 + 4 = 36। अब दोस्तों हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 36/6। तो दोस्तों 6 से 36 हमारा कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, छकाकर 36, तो x बराबर दोस्तों हो गया 6। तो दोस्तों 6 होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बहुत ही आसानी से समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।